गाजा में अब इजरायली फौज हांफने लगी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हमास को मिटाने का जो सपना देखा था अब शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि जिस तरह से गाजा के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ हमास के हमलों का सामना कर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर अब बाजी पलट चुकी है और इसका एहसास खुद इजरायली सेना के आला अफसरों को भी है। और यही वजह है कि अब पर्दे के पीछे आईडीएफ के जनरल गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं जिससे लेबनान बॉर्डर पर शांति बहाल हो, लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से आईडीएफ पर इन दोनों फ्रंट पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिसका सबूत हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का ये वीडियो है जो गाजा से आया है। दरअसल गाजा के रफा में अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के जवानों और उनके वाहनों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमास के लड़ाकों का ये बहुत ही ज्यादा डेयरिंग हमला था। दरअसल यहां पर अल कासिम के दो लड़ाके दौड़ते हुए जाते हैं और सामने खड़े इजरायली टैंक में बम रखकर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और इसके कुछ ही सेकंड में टैंक में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसी वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस धमाके के बाद भी हमास के लड़ाके रुकते नहीं हैं, बल्कि वो फिर से इस टैंक की तरफ एक रॉकेट फायर करते हैं। और इसके तुरंत बाद हमास का लड़ाका सड़क पर आकर सामने से आ रहे आईडीएफ के टैंक पर फिर से रॉकेट दाग देता है और यहीं से फिर आईडीएफ और हमास के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है। वीडियो में आगे दिख रहा है कि अल कासिम का एक लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर उन्हें दनादन फायर कर रहा है। और इन हमलों के बीच गाजा के नूर शाम्स कैंप में अलकुज ब्रिगेड और तुलकारम ब्रिगेड साथ मिलकर आईडीएफ के टाइगर सैन्य वाहन पर एक बड़े आईईडी ब्लास्ट से हमला कर देते हैं। अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आईडीएफ का ये वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी अलकुज के लड़ाके उस वाहन पर रॉकेट से हमला कर देते हैं जिसमें बड़ा धमाका होता है और धमाके की कुछ देर बाद आईडीएफ जवान वहां से भागते हुए नजर आते हैं। और इस हमले के अलावा अल सुजाया कैंप में भी अलकुज ने आईडीएफ के नोमिर सैन्य वाहन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ता है और उसे सामने से आईडीएफ का ये वाहन आता दिखाई दे जाता है जिस पर इजराइल का झंडा लगा होता है। इसके बाद ये लड़ाका उस पर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और इसी हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड की भी इजरायली सैनिकों से तगड़ी भिड़ंत होती है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़ाका फोन पर कुछ बात करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक कैमरे से इसी इलाके में आईडीएफ के कुछ सैनिकों पर पहले घात लगाई जाती है और फिर उसके बाद उन पर स्नाइपर राइफलों और रॉकेट लॉन्चर से दनादन हमले कर दिए जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सामने एक बिल्डिंग में आईडीएफ का एक जवान झांक रहा होता है जिसके ऊपर अल कासिम के लड़ाके हमला कर देते हैं। और इसी दौरान चारों तरफ फायरिंग की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है। अल कासिम के लड़ाके बिना रुके गोलियों की बरसात कर देते हैं और इसी दौरान अलकुज के लड़ाके रफा के भीतर इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहन पर फिर से एक बड़ा हमला करते हैं। यहां पर अलकुज के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर गोला बारूद से हमला करते हैं। अलकुज के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर से एक टैंक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर अलकुज का एक लड़ाका घात लगाकर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्त धमाका होता है और इसके तुरंत बाद यहां से आईडीएफ के जवान भागने लगते हैं।
जिनके ऊपर भी अलकुद्स के लड़ाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे देखने पर हमास के कुछ लड़ाके पेड़ों के पीछे छिपकर घात लगाकर रॉकेट फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं।